दुनिया पर एक बार फिर से महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है और ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं। कल ताइवान की राष्ट्रपति ने एशिया में विनाश आने की बात कही थी और अब चीन ने मंगलवार को 56 और लड़ाकू विमानों को भेजकर चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी वक्त तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। चीन की सरकारी भोपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स अखबार के एक लेख में कहा गया है कि अमेरिका और ताइवान के बीच मिली भगत इतनी दुस्साहसिक है कि स्थिति काबू में आने की संभावना काफी कम है और दोनों देश आमने सामने खड़े हो चुके हैं। ग्लोबल टाइम्स में धमकी देते हुए कहा गया है कि चीन के लोग ताइवान का साथ देने वाले अमेरिका से युद्ध करने के लिए तैयार है। वहीं ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि ताइवान आग से खेल रहा है। ताइवान एक लोकतंत्र जो खुद को एक संप्रभु राज्य मानता है, उसने चीन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अपील की है कि वो ताइवान की हवाई सीमा में लड़ाकू विमानों को भेजना बंद कर दे। आपको बता दें कि शुक्रवार से अब तक चीन 150 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को ताइवान के एयर स्पेस में भेज चुका है और आशंका है कि कभी भी ताइवान पर चीन हमला कर सकता है। ताइवान ने दी विनाश की धमकी। चीन ने सोमवार को ताइवान की हवाई सीमा रेखा में एक साथ 56 लड़ाकू विमानों को भेज दिया, जो काफी देर तक ताइवान की सीमा में मौजूद थे और अब ताइवान और चीन के बीच का तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। दो दिन पहले ताइवान के विदेश मंत्री ने युद्ध की तैयारी शुरू करने का ऐलान किया था। वही ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने मंगलवार को ताइवान को आक्रमण से बचाने को लेकर जोरदार बयान दिया है। उन्होंने कसम खाते हुए कहा कि ताइवान को बचाने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो करेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात को माना, सहयोगी की मदद नहीं मिलती तो साम्राज्यवादी शक्ति चीन युद्ध जीत सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर युद्ध होता है तो पूरे एशिया में विनाश आएगा। ताज़ेतरीन खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले न्यूज़ अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।